चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस, टाटा IPL का 5th मैच 2 अप्रैल 7:30 बजे खेला जाएगा। इस मैच से जुड़े सभी स्टैट्स देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो ये मैच जो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा बैंगलोर में। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें 162 रन है पीछे कुछ मैचेस का। और बैटिंग फर्स्ट की बात करें और बैटिंग सेकंड में कौन जीत सी टीम जीतती है तो ऑलमोस्ट इक्वल था ही है, 39-38 इक्वल था। उसके बाद हम बात करते हैं रिसेंटली कुछ मैच जो खेले गए उनकी। इंडिया ने 134 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। साउथ अफ्रीका की टीम ने इजीली चेस कर लिया। पेसर्स को 8 विकेट मिले, स्पिनर्स को मिला सिर्फ 1 विकेट। और उससे पहला मैच हैदराबाद और RCB के बीच में खेला गया जिसमें 175 रन बनाए RCB ने, हैदराबाद ने सॉरी, और RCB ने इजीली चेज कर लिया वो। जिसमें से देखा जाए 8 विकेट पेसर्स को मिले हैं पूरे मैच में और 6 विकेट स्पिनर्स को। उससे पहले मैच RCB और राजस्थान के बीच में खेला गया, ये बारिश से इफेक्ट हो गया था मैच इस वजह से। तो इसमें आप देख सकते हैं पेसर्स को 3 विकेट मिले और स्पिनर्स को 5। मोस्टली इस राउंड पे पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं स्पिनर्स के मुकाबले और एवरेज स्कोर्स अच्छा खासा बनता है IPL के मुकाबले 180 रन के आसपास। ये थोड़ा सा इंटरनेशनल मैचेस का भी मिक्स है जैसे ये वाले लो स्कोरिंग हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और चेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है इस ग्राउंड पे। तो जो बैटिंग सेकेंड कर रही होंगी उनके बैट्समैन ज़्यादा लेने हैं और बॉलर कम। हेड टू हेड की हम बात करें तो RCB की टीम काफ़ी पीछे है मुंबई के मुकाबले। 19 मैच मुंबई ने जीते हैं और 13 रन जीते हैं सिर्फ RCB ने। तो हम आगे प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं फटाफट से। प्लेइंग 11 पे हम ज़्यादा जोर देंगे नहीं, ये मेरे को लगता है होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है, बट पहले मैच में कोई बंद नहीं बता सकता कौन सी प्लेइंग 11 होगी। तो हम स्टैट्स के ऊपर जाएंगे डायरेक्ट ही ताकि उससे ज़्यादा आइडिया लग जाए किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो हम स्टैट्स की तरफ जाते हैं सीधा। सबसे पहले विराट कोहली रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त, 50 रन की इनिंग्स यहाँ पे, 64 रन की इनिंग्स, 62 रन की इनिंग्स, बहुत ही शानदार रीसेंट परफॉर्मेंस। अपोनेंट के खिलाफ 29 रन का एवरेज 32 मैचों में ठीक है और वेन्यू पे भी 36 रनों का एवरेज है ठीक है, ये भी ठीक है। हम विराट कोहली को आप जरूर ले लेना टीम में। उसके बाद पैर टू प्लेस ही है, रिसेंट में 2-0 जरूर मारे लेकिन ये शानदार फॉर्म में। उस पहले 92 और 113 नॉट आउट 37 रन यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में इनको आप इस पे मत लेना कि ये 0-0 का आउट हो गए थे रिसेंट में। तो और अपोनेंट के खिलाफ 24 रन का एवरेज है 18 मैच में और वेन्यू पे 162 रन, ये बहुत अच्छा है। फैम डू प्लेसी को भी आप ले सकते हैं। पर्टिकुलर शायद खेले या नहीं खेले अभी कन्फर्म नहीं है। 52 रन की रिसेंट अच्छा है इनका, 92 रन यहाँ पे काफ़ी अच्छे बनाए हैं। अपोनेंट के खिलाफ सिर्फ 1 मैच में 8 रन, ये बहुत ख़राब। और अब वेन्यू बस खेली नहीं है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल है, ग्लेन मैक्सवेल का भी रिसेंट अच्छा है, 54 रन नॉट आउट, 13 रन 2 विकेट, 23 1 विकेट। पर ये बहुत पुराने स्टार्ट हैं, मतलब रिसेंट परफॉर्मेंस इनका लास्ट T20 काफ़ी पुराना है। और उसके बाद ये इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद इंजरी के बाद वनडे मैच में इतना अच्छा था नहीं इनका परफॉर्मेंस। तो आप देख लेना आपको लेना है या नहीं, इनको मैं फिलहाल प्रेफर नहीं करूँगा इतना। 25 मैचों में 15-25 का एवरेज और 3 विकेट भी अपने के खिलाफ, और वेन्यू पे भी 25 का एवरेज है, 4 विकेट यहाँ पे ले रखे हैं। उसके बाद महिपाल है, महिपाल का रीसेंट परफॉर्मेंस कोई खास है नहीं, कुछ भी नहीं, इनिंग्स है 80-46-50। अपोनेंट के खिलाफ 11 रन की एक इनिंग्स है, एक ही मैच खेला हुआ है उसमें 11 रन बनाए और वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है। दिनेश कार्तिक लेट आते हैं, 46 रन की यहाँ पे इनिंग्स है, 17 रन यहाँ पे है, कोई खास अच्छा है नहीं। अपोनेंट के खिलाफ 23 रन 16 रन वेन्यू पे, बहुत लेट आते हैं तो फिर आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी जगह सामने वाले टीम में से 1 विकेट कीपर ले सकते हैं। उसके बाद शहबाज अहमद रिसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी गजब है, 59 रन 1 विकेट, यहाँ 48 2 विकेट, 43 1 विकेट, 42 3 विकेट, बहुत ज़बरदस्त रिसेंट परफॉर्मेंस। अपोनेंट के खिलाफ पूरी तरफ टॉप और वेन्यू पे कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं। हर्षल पटेल रिसेंट ठीक ठाक है, 2 विकेट 1 विकेट यहाँ मिला हुआ है, 2 विकेट यहाँ पे। अपोनेंट के खिलाफ 11 मैच में 20 विकेट, मस्ट फिट प्लेयर हो जाएंगे आपके लिए। वेन्यू पे हालांकि 17 मैचों में 11 विकेट, ये कोई
ये वेन्यू पे ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन अपोनेंट इस लाइफ काफ़ी अच्छे हैं, तो आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। डेविड विली रिसेंट कोई खास अच्छा है नहीं, एक विकेट यहाँ मिला, एक विकेट उस क्लब पूरी तरह फ्लॉप, ना वेन्यू पे खेले हैं ना अपोनेंट के खिलाफ। सिराज बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है, 4 विकेट 2 विकेट, यहाँ पे 0-0 विकेट मिले लेकिन 1 विकेट, और अपोनेंट के खिलाफ 9 मैच में 8 विकेट, और वेन्यू पे भी 9 मैच में 8 विकेट। सिराज को आप ले सकते हैं। करण शर्मा, इनका भी काफ़ी अच्छा है रिसेंट परफॉर्मेंस, 1-3, 1-0-0, वेन्यू पे देखें 4 मैचों में 8 विकेट मिले हुए इनको, और अपोनेंट के खिलाफ 6 मैचों में 4, तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर ये प्लेइंग 11 में हुए तो। अब हम जो बेंच पे खिलाड़ी होंगे उनके स्टैट्स की भी बात कर लेते हैं। आकाशदीप है, रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, 1 विकेट हर मैच में मिला हुआ है ऑलमोस्ट, अपोनेंट के खिलाफ भी 1 विकेट मिला हुआ है, 1 मैच खेला हुआ है इन्होंने जिसमें, और वेन्यू पे तो खेले नहीं है। उसके बाद सूर्यश है, 64 रन की एक इनिंग्स है, 43 की यहाँ पर है, और अपोनेंट और वेन्यू पे खेले नहीं है। सिद्धार्थ कौल रिसेंट अच्छा है, 5 विकेट यहाँ लिए, 2 विकेट 0 विकेट खिलाफ, सारे मैच में विकेट मिले हैं, अपोनेंट के खिलाफ 7 मैचों में 12 विकेट, ये देख नोटिस करने वाली बात है अगर ये प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो। उसके बाद वेन्यू पे भी 5 में से 4 ठीक ठाक है। उसके बाद जॉश हेजलवुड है, 2 विकेट यहाँ मिले, 2 विकेट 1 विकेट, अच्छा परफॉर्मेंस है अपोनेंट के खिलाफ, हालांकि इतना अच्छा है नहीं, 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट, और वेन्यू पे भी अच्छा नहीं। अनिल रावत कोई खास अच्छा रिसेंट नहीं है, लेकिन एक ही मैच खेला हुआ है इन्होंने मुंबई के खिलाफ, और उसमें 66 रन आए, तो ये नोटिस करने वाली बात है। बाकी वेन्यू पे भी कोई खास अच्छा नहीं। उसका फेन एलन कुछ अच्छी इनिंग्स है, 78-35-33 की वेन्यू, और अपोनेंट पे नहीं खेले हैं, फसरंगा है बैट और बॉल, बॉलिंग ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अपन मुंबई के खिलाफ 1 मैच में 2 विकेट ले रखे हैं इन्होंने रिसेंट में, 21-1 विकेट 1 विकेट यहाँ 1 विकेट, मतलब आप विकेट लेके जा सकता है अगर ये बंदा खेलेगा तो। अपन वेन्यू पे हालांकि खेले नहीं है। तो आगे हम कुछ और प्लेयर्स की बात करते हैं जो आरसीबी की टीम में ही होंगे। टॉपली है, टॉपली का रिसेंट ठीक ठाक है, कुछ 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 मैचों में विकेट मिल रखे हैं, और वेन्यू और अपोनेंट पे तो खेले नहीं है। ब्रेसवेल है, ब्रेसवेल की 47-64 अच्छी इनिंग्स है, वेन्यू अपोनेंट नहीं खेले हैं। उसके बाद हिमांशु है, 62 नॉट आउट, 46 नॉट आउट, और एक ही मैच मुंबई के खिलाफ खेला गया जिसमें 12 रन की इनिंग ठीक है, वेन्यू पे नहीं खेले हैं। मनोज आप देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस इनका भी अच्छा है, विकेट ले लेते हैं, और राजन कुमार है, इनको भी बीच बीच में विकेट मिल गई है। उसके बाद आर सोनू है, इनको भी हर मैच में ऑलमोस्ट विकेट मिल गई है। ये मोस्टली खिलाड़ी बेंच पे रहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टैट्स, अगर इनकी किसी को भी प्लेइंग 11 में जगह मिली तो आप यहाँ के इस वीडियो को विजिट कर लेना, स्टैट्स देख जाएंगे। ये होगी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 मोस्ट प्रोबेबली, पर इसमें चेंजेस हो सकते हैं तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, डायरेक्टली जाएंगे हम स्टैट्स के ऊपर। सबसे पहले रोहित शर्मा रिसेंट परफॉर्मेंस, 53 रन की इनिंग्स है, बाकी कोई इतनी खास इनिंग्स है नहीं, उनके खिलाफ 29 रनों का एवरेज ठीक है, वेन्यू पे बहुत ख़राब है, 18 रनों का एवरेज है 15 मैचों में, बहुत ख़राब है यहाँ पे वेन्यू के मुकाबले, रोहित शर्मा के हिसाब से। किसी और के मुकाबले, किसी और प्लेयर का होता वो 18 रन का मैं मान सकता था ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा के हिसाब से खराब परफॉर्मेंस है, तो आप देख लेना आपको लेना है नहीं। ईशान किशन रिसेंट परफॉर्मेंस T20 में पूरी तरह फ्लॉप, 26 रनों की एवरेज है अपोनेंट के खिलाफ, और इस वेन्यू पे इनका भी परफॉर्मेंस 10 रनों, ये भी बहुत खराब है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव है, इन ये तो ऑलमोस्ट हर टीम में होंगे ही, 112 रन, 46 रन, 47, 51, वनडे में कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ पे T20 के लिए बादशाह बन जाते हैं, और 31 रन अपोनेंट के खिलाफ, 18 रन का एवरेज वेन्यू पे, वेन्यू पे इनका भी अच्छा नहीं रहा। कैमरन ग्रीन है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और रिसेंट परफॉर्मेंस इतना कोई खास अच्छा रहा नहीं है, यहाँ 1 विकेट मिला, यहाँ 1 विकेट मिला, यहाँ 52 रन की इनिंग, उसके अलावा अपोनेंट और वेन्यू पे पूरी तरह फ्लॉप है। टिम डेविड इनका बिग बैश भी बहुत शानदार रहा था, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं अगर इनको खेलने का चांस मिला तो, और इनका रिसेंट परफॉर्मेंस में भी ठीक ठाक है, 60 रन यहाँ, 43-20, इनका बिग बैश काफ़ी अच्छा गया था, अपोनेंट और वेन्यू पे खेल लेंगे, लेकिन आप जरूर ट्राई कर लें इनको। उसका तिलक वर्मा, इनका भी रिसेंट काफ़ी अच्छा है, हालांकि अपन उनके खिलाफ 1 मैच में 0 रन आउट हुए थे, और वेन्यू पे अभी तक खेल नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और खिलाड़ी की, उसके बाद रमनदीप हैं, बीच बीच में विकेट मिले हुए हैं ठीक है, अपोनेंट के खिलाफ 1 ही मैच के में 6 रन बनाए हुए हैं, और ना वेन्यू भी खेले हैं। जोफ्रा आर्चर, इनको ऑलमोस्ट सारे लेंगे ही लेंगे,
विकेट, यहाँ 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, बहुत अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। हालांकि अपोनेंट के खिलाफ 4 मैचों में 2, ये अच्छा नहीं है, वेन्यू पे भी खेले नहीं है। जेसन बेलेंड्रॉफ रिसेंट अच्छा है, 2 विकेट, 2 विकेट, 0, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट इनको अपोनेंट के खिलाफ मिला है और 1 वेन्यू में। उसके बाद ऋतिक है, ऋतिक को भी बीच बीच में 1-1, 2 विकेट, 0 विकेट ऐसे मिला हुआ है अपोनेंट और वेन्यू पे, हालांकि खेले नहीं है। उसके बाद पीयूष है, पीयूष को भी 1-2, 1-2 विकेट मिले हुए हैं सारी जगह रिसेंट में, और अपोनेंट के खिलाफ एवरेज रहता है 1 विकेट इनका 21 मैच में 19 विकेट, और वेन्यू पे भी और एवरेज ही रहता है कि 1 विकेट मिल ही जाएगा ऑन एन एवरेज हर मैच में। उसके बाद बेंच पे जो खिलाड़ी हैं उनकी बात कर लेते हैं। जेंसन है, जेंसन का रिसेंट अच्छा है, 2 विकेट यहाँ मिले, 1 विकेट यहाँ, 1 विकेट यहाँ, 29 रन, अच्छे प्लेयर हैं, ट्राई कर सकते हैं वेन्यू और अपोनेंट पे खेलेंगे अगर इनको प्लेइंग 11 में मौका मिले तो। उसके बाद अर्जुन है, अर्जुन का भी रिसेंट अच्छा है, 1-1, 1-2, 4 विकेट, और वेन्यू और अपोनेंट पे खेले नहीं है। ड्रेविस, ड्रेविस का बीच बीच में अच्छी इनिंग्स खेली हुई है, 46 रन यहाँ, और अपोनेंट के खिलाफ एक ही मैच में खेला गया है, उसमें उन्होंने 8 रन और 1 विकेट लिया था, और वेन्यू पे भी खेले नहीं है। उसके बाद चैम्स है, इनका भी ठीक ठाक है परफॉर्मेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपोनेंट और वेन्यू पे खेले नहीं है। विष्णु विनोद है, कोई खास है नहीं रिसेंट, और वेन्यू पे भी 2 मैच में 9 रन बहुत खराब है। उसके बाद कुमार है, कुमार का भी रिसेंट कोई खास अच्छा है नहीं, ना वेन्यू पे खेले ना अपोनेंट पे। उसके बाद स्टब्स है, स्टब्स का भी रिसेंट परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा है नहीं, ना वेन्यू पे खेला है ना अपोनेंट पे, इनको मौका मिल सकता है। हालांकि ये फिर हम आगे कुछ प्लेयर्स और हैं उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद अर्शद खान है, रिसेंट परफॉर्मेंस हर एक मैच में 1 विकेट मिला, अच्छा है वेन्यू पे भी और अपोनेंट के खिलाफ दोनों ने खेले। आकाश मंडवाल ठीक ठाक है, और ना अपोनेंट के खिलाफ खेले हैं ना वेन्यू पे। तो गाइस हमने सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है, अब हम टीम पे जाते हैं। ये अभी फाइनल टीम नहीं होगी, हालांकि फाइनल टीम तो टॉस के बाद ही बनेगी। तो अब देख सकते हैं मैंने ईशान किशन को लिया है अभी विकेट कीपर में मुंबई इंडियंस की तरफ से, फिर मैंने सूर्य कुमार यादव को लिया है, टिम डेविड को लिया है मुंबई इंडियंस की तरफ से, और आरसीबी की तरफ से मैंने विराट कोहली और पैट डु प्लेसी को लिया, ग्लेन मैक्सवेल को लिया है, हालांकि इनका खेलने का चांस अभी पता नहीं खेलेंगे या नहीं। उसके बाद शहबाज अहमद, कैमरन ग्रीन, और बॉलर्स में मैंने जोटा आर्चर, मोहम्मद सिराज और जेसन बैरन को लिया। तो गाइस ये अभी मेरी टीम है, अभी ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम तो टॉस के बाद ही बनेगी। तो गाइस क्योंकि अभी प्लेइंग 11 पता ही नहीं है किसी को कि क्या होगी। तो गाइस जिन्होंने भी जो भी चैनल पे नए हैं यार वो सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस, सी यू, बाय बाय।